फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से इंडिया गठबंधन उम्मीदवार अमरनाथ सिंह मौर्य ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर दो सेट में अपना नामांकन दाखिल किया। विधायक गीता शास्त्री एवं सपा नेता संदीप यादव प्रस्तावक बने। अमरनाथ मौर्य दोपहर 12 बजे के बाद अपने आवास प्रीतमनगर से निकलने के बाद सीधे हाईकोर्ट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं पीडी पार्क स्थित राम मनोहर लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय जॉर्ज टाउन आए। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद सपा कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमरनाथ सिंह मौर्य ने कहा कि देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद सत्ता एवं शासन में पीडीए की भागीदारी, पुरानी पेंशन लागू करने, किसानों को एमएसपी दर लागू करने, बेरोजगारों को रोजगार देने, अग्निवीर खत्म कर नियमित भर्ती करने जैसी जनहित की तमाम योजनाएं लागू की जाएगी। देखिए, मैं पहले बता दिया अन्य चैनलों को कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि मेरा टिकट 14 अप्रैल परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जन्मदिन के अवसर पर ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे प्रत्याशी बनाया। सबसे बड़ा मामला यह है कि आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। आज संविधान को चेंज करना चाहते हैं। आज संविधान न होता तो मुझ जैसा किसान घर का बेटा, शिक्षक पुत्र आज नामांकन न करता। ये संविधान की देन है। ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं और स्वाभाविक रूप से ये कुछ करना नहीं चाहते। सबसे बड़ा मुद्दा जानते हैं क्षेत्र में क्या है। आज सड़कें चौड़ी हो रही हैं, सबको उनको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। आज सब परेशान हैं, किसान, नौजवान, मध्यम वर्ग, व्यापारी सभी परेशान हैं। आज भारतीय जनता पार्टी कुछ पूंजीपतियों के हाथ खेल रही है। चुनौती किसको मान रहे हैं? अरे कोई चुनौती नहीं है, फूलपुर में कोई चुनौती, जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है। निजीकरण किया जा रहा है।